जॉन इब्राहिम की अपकमिंग मूवी का ट्रेलर आ गया वेदा का, जिसको मैंने देखा। एक और ब्लॉकबस्टर यहाँ लोड होते हुए देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जिस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है, पब्लिक को एक्शन ज्यादा कर पसंद है। ये मूवी हम लोग को एक्शन वाइज डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी। जहाँ ये मूवी हम लोग को 15 अगस्त को रिलीज होते हुए देखने को मिल जाएगी। बता दूं, मोस्ट ऑफ द टाइम जॉन इब्राहिम की मूवी हम लोग को इंडिपेंडेंस वाले दिन देखने मिलती है। चाहे हम लोग सत्य में विजयते ले लें, सत्य में विजयते 2 ले लें, या फिर हम लोग बटला हाउस देख लें। ये मूवी में हम लोग को एक सोशल मैसेज दिया जाता है मूवी के लास्ट में, जहाँ जॉन इब्राहिम हर बारी मूवी 15 अगस्त को लेकर आते हैं। जहाँ इस मूवी की बात करें, इस मूवी के अंदर हम लोग को जॉन इब्राहिम, शर्वरी कौर और हम लोग को अभिषेक ऐसा विलन के तौर पर हम लोग देखने को मिलते हैं। जहाँ अभिषेक के ऊपर बात करूँ तो इन दोनों से हट के मेरा सबसे ज्यादा फोकस था अभिषेक के ऊपर, क्योंकि बंदा जिस तरीके से एक्शन कर रहा है ना, लिटरली बोल रहा हूँ, इस बंदे ने इन दोनों लोगों को पीछे छोड़ दिया है एक्टिंग के मामले में। जहाँ हम लोगों ने इनको कॉमेडी करते हुए काफी अलग अलग मूवीज में देखी, और इनकी अभी एक और मूवीज आने वाली 15 अगस्त को स्त्री, जहाँ वो उसमें कॉमेडी करते हुए हम लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन उसी दिन इनकी एक और मूवी आएगी वेदा, जिसमें हम लोग को वो काफी सीरियस रोल में देखने के मिलेंगे। हाँ, जॉन इब्राहिम हम लोग को अभिमन्यु का कैरेक्टर आर्मी में रहते हुए देखने को मिलता है, जो भाई ऑर्डर नहीं मानता, इसलिए कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। जहाँ हम लोग अरवरी कौर के कैरेक्टर की बात करें, तो ये जहाँ रहती है वहाँ के जो लोग हैं औरतों के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म करते हैं, बोले तो उनको आगे बढ़ने नहीं देते। जहाँ ये लोग की पढ़ाई करना चाहती है, और पढ़ाई में काफी ज्यादा लोग रुकावट बनते हैं। जहाँ हम लोग को विलन के तौर पर अभिषेक देखने को मिलते हैं, जहाँ अभिषेक इसको भाई आगे बढ़ने नहीं देते हैं। वो भी सकता है कि जहाँ ये रहती होगी वहाँ पे इन लोगों का काफी दबदबा रहता होगा, इसलिए इनसे कोई भिड़ता नहीं है। जहाँ पे सर्वरी कौर कैरेक्टर काफी तंग आ जाता है इन लोगों से, इसीलिए वो बॉक्सिंग सीखने के लिए जॉन इब्राहिम के पास जाती है। जहाँ जॉन इब्राहिम अभिमन्यु हम उसको पर्सनली कोच करते हुए भी देखेंगे मिलते हैं, जहाँ जॉन इब्राहिम इसको ट्रेन तो करेंगे। लेकिन एक्शन इसमें जो दिखाया गया, जो कैमरा मूवमेंट दिखाया गया, जो इस पर सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई, जिस तरह की वो मुझे पसंद है। जहाँ हम लोग को काफी यूनिक वे में बैकग्राउंड बीजीएम सुनने के लिए मिलता है, जहाँ ये बीजीएम लोग को पहले मूवीज के मुकाबले थोड़ा अलग और थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। यहाँ इस मूवी का मेन हाईलाइट होगा इसका एक्शन। हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोग मानो या ना मानो, इसका मेन हाईलाइट इसका एक्शन ही होगा, क्योंकि जॉन इब्राहिम खासकर एक्शन के लिए जाने जाते हैं। जहाँ उनकी मूवी में हम लोग को काफी यूनिकनेस भी देखने को मिलती है, काफी अलग सा परफॉर्मेंस भी होता है उनकी मूवी में। यहाँ एक सीरियस टोन इस ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। हम लोग इस मूवी के तमन्ना भाटी भी देखने को मिलेगी, और भाई उनका भी एक कैमियो रहेगा स्त्री वाली मूवी में 15 अगस्त को। भाई क्या क्या चिंगांडी कर रहे हैं लोग, क्या क्या रिलीज करेंगे उस दिन, काफी मूवीज आ रही है 15 अगस्त को भाई। और भाई सभी देखने हैं, मैं तो भैया एकदम 15 अगस्त का वेट किया हूँ। जिस दिन मूवी रिलीज होगी चपाचप सब चापूंगा और सबका रिव्यू लाऊंगा अपने चैनल पे। चार ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा। जहाँ जॉन इब्राहिम को इस रोल में मैंने काफी लंबे समय के बाद देखा, जॉन को हमने पठान मूवी में देखा था एक्शन करते हुए एज अ विलन के तौर पे, लेकिन हम लोग ये मेन लीड के अंदर इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। भाई मैं देखना चाहता हूँ कि जॉन इब्राहिम इस बार हम लोग को कौन सा सोशल मैसेज देते हैं इस मूवी के थ्रू। जहाँ पे एक बार तुम लोग को मैं ये बता दूँ, हर मूवी में इनके नूरा फतेह होती थी आइटम सॉन्ग करने के लिए, लेकिन इस बार नूरा फतेह नहीं है। पता है मुझे तुम लोग काफी तकलीफ हो रही होगी, मुझे भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है इस बात से, लेकिन भाई इस मूवी के अंदर आइटम सॉन्ग करते हुए देखने को मिलेंगे मोनी रॉय। ठीक है, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन नूरा को लाते तो कुछ बात अलग होती। अब भाई उसका कुछ अलग तुम लोग का मसला होगा, अब वो बड़ी बन गई है तो कुछ तुम लोग का अलग होगा, उस पर बात नहीं करते। ट्रेलर अच्छा लगा मुझे, तुम लोग अपना बताना, तुम लोगों को ट्रेलर कैसा लगा, तुम अपना ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो जो लगे तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी वीडियो में।